मेरे दोस्तों, क्या आप सबका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी की न्यू रिलीज डेट आ चुकी है, 12th ऑफ जनवरी 2024 को ये नहीं आएगी, ये पोस्टपोन हो चुकी है और इसकी न्यू रिलीज डेट भी आ चुकी है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई किधर पोस्टपोन हुई, किधर न्यू रिलीज डेट आई, मेकर्स ने कुछ नहीं बताया, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, तो आपको कैसे पता? तो गाइस मुझे कैसे पता वो आप छोड़ दें। आप में से भी बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त होंगे जिन्हें कल ही पता चल गया होगा कि भाई कल की 2898 की न्यू रिलीज डेट क्या है। कल मुझे भी पता चल गया था, लेकिन मैं कंफर्म करवा रहा था अपने सोर्सेस से कि भाई क्या सचमुच ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो हुआ है, यस, कल की 2898 सचमुच पोस्टपोन हो चुकी है और इसकी न्यू ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिलीज डेट भी आ चुकी है। अब वो क्या है वो भी बताता हूं। लोग बताने से पहले ऑफकोर्स आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कल की 2898 AD, अब आपको 12th ऑफ जनवरी 2024 को नहीं बल्कि 9th मई 2024 को देखने को मिलेगी। 9th मई 2024 यानी कि फिफ्थ मंथ बनता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 9th मई 2024 को गाइज ये फिल्म रिलीज होगी। मेकर्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। लेट सपोज किसी वजह से मेकर रिलीज डेट चेंज भी करते हैं तो मंथ मई का ही होगा रिलीज डेट। ये जो 9th है ना, ये आगे पीछे नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मंथ मई ही होने वाला है। मई के अंदर गाइज आपको गाइज कल की 2898 AD देखने को मिलेगी। चांसेस हैं कि आज गाइज मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, चांसेस हैं, भाई कंफर्म नहीं है लेकिन लग रहा है कि आज नहीं की तो कल तो करेगी ही करेगी, मतलब आने वाले गाइज एक दो दिन के अंदर आपको मेकर्स की तरफ से भी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इस फिल्म की काफी हद तक, काफी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट शूटिंग एंड हो चुकी है, कल से इसका न्यूज कैजुअल भी स्टार्ट है और ऊपर से जनवरी आने में अभी टाइम भी है, मतलब अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने हैं, 5 महीनों में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है ग्लिम्स को, मतलब कि प्रोजेक्ट के जो ग्लिम्स आया है उसको जैसा रेस्पॉन्स मिला है, मेकर्स ने भी वैसा रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कि मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी फेमस हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए पहले प्रोजेक्ट के का किसी को वेट नहीं था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब गाइस सबको वेट है, चाहे प्रभास का फैंस है नहीं है, सब वेट कर रहे हैं कि भाई हम देखो तो सही इन्होंने न्यू वर्ल्ड कैसी बनाई है, कल की कैसी है, प्रोजेक्ट की क्या है, सुपर हीरो वाला क्या सारा सीन है। तो ये सब ऑडियंस देखना चाहती है, तो मुझे लगता है मेकर्स ने इसीलिए पोस्टपोन किया है ताकि इस पर हम और ज्यादा टाइम लगा के इसको और बेटर कर सकें। मैं आपको इतना भी बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि प्रोजेक्ट के की शूटिंग को स्टार्ट हुए हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी और मेकर्स ने कितना टाइम लिया, लेट से देखते हैं। अभी आज जुलाई है, जुलाई को छोड़ दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, लगभग 10 महीने, मतलब 10 महीने मेकर्स ने और मांग लिए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 साल, 3 साल में प्रोजेक्ट के तैयार हो रही है। तो फिर देखना तो बनेगा कि भाई 3 साल में मेकर्स ने क्या कुछ किया है। और एक और चीज, अभी इस फिल्म का बजट है 600 करोड़, 10 महीने बाद इस फिल्म का बजट कितना बढ़ चुका होगा, एटलीस्ट 700 करोड़ प्लस जा चुका होगा। और मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट के पे आई थी, साल पहले, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रोजेक्ट के जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से इसकी कॉस्ट है, जिस तरह का इसका सारा सिनेरियो है, ये फिल्म कहीं ना कहीं 800 करोड़ के बजट में जाके बनेगी। जिनको यकीन है मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो लगता है वही सीन होने जा रहा है। तो खैर दोस्तों, ये न्यू रिलीज डेट आपको कैसी लगी, सही है नहीं सही बताइएगा, क्योंकि इसी से पिछले महीने, मई के पिछले महीने अप्रैल में दीवाना ने आनी है, 5th अप्रैल को दीवाना ने आनी है, छोटी मोटी फिल्म नहीं है, बड़ी फिल्म है, लेकिन 1 महीने बाद प्रोजेक्ट के रिलीज होगी। तो 1 महीना इनफ होता है, मतलब 15 दिन इनफ होते हैं एक मूवी को अच्छी कलेक्शन करने के लिए। बाकी आप क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। तो जब आपको वीडियो पसंद आएगी बताएं, चलो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।